Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel HVAC information. Today we are making the one video about how to install a control compressor. This compressor model number I show you, this compressor model number ZR72kc and cooling capacity is 6 ton and main power supply is a 382 420. This compressor 3 phase power need. I show you the this electrical panel, this unit, this brand by LG, making by LG, and ये आपके सामने compressor का contact लगा हुआ है और साथ इसके outer fan motor का capacitor लगा हुआ है और ये इसके control के fuse हैं जो power supply indoor को जाती है और इसमें जो contactor है इसकी coil 220 voltage है क्योंकि इसके जो control है वो 220 है. ये हमारा old compressor है. इसकी already हमने discharge line और suction end को अलग तक किया हुआ है compressor से और already हमने कर दी हुई है. तो अभी हम आपको इसका जो है ना compressor का model number दिखाएंगे क्योंकि ये same model का तो हमें मिला नहीं, तो अभी हम इसका replace ही कर रहे हैं इस compressor का. आप अभी देख रहे होंगे इसका जो model number है SR073Y है, यानी कि same capacity का तकरीबन बनता है ये compressor. तो ये जो हमारा ये LP है जो सेक्शन लाइन के ऊपर लगता है, जो इसकी रेंज होती है वो 25 PSI होती है और दूसरा जो था वो हमारा HP था, यानी 25 PSI से कम जाएगा तो ये मशीन को बंद करवा देगा और 450 से ऊपर जाएगा हाई प्रेशर तो वो हमारा कंप्रेसर को HP करवा देगा, यानी बंद करवा देगा. तो अभी हम इसको ओल्ड कंप्रेसर को ऑलरेडी हमने डिस्चार्ज और सेक्शन के टंके रिमूव किए, इसको रिमूव कर देंगे सिस्टम से. तो अभी हमने कर दिया हुआ है, नया कंप्रेसर इंस्टॉल कर दिया हुआ है इसमें जो लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था ZR72kc कंप्रेसर जो अभी हम लगा रहे हैं इसमें. तो उसकी जो हमें डिस्चार्ज लाइन और सेक्शन लाइन की मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसकी जो सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन वो सेम साइड पर ही हैं. तो ये हमारा वेल्डिंग सेट अभी ऑलरेडी हमारा रेडी हो चुका है. तो अभी हम सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन के टाँके लगा देंगे, वेल्डिंग कर देंगे. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है सेक्शन लाइन की और डिस्चार्ज लाइन की. ये अभी देख सकते हैं आप, डिस्चार्ज लाइन की भी मुकम्मल हो चुकी है और सेक्शन लाइन की भी मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन ही मुकम्मल हो चुकी है फुल. तो अभी हम इसमें गैस डालेंगे. गैस डालने से पहले हम इसके कनेक्शन ऑलरेडी हमने कर दिए हुए हैं, तो इसका फैन मोटर ऊपर लगाएंगे सबसे पहले. और ये हमारा फॉल्टी कंप्रेसर है जो अभी हमने साइड पे रख दिया हुआ है. अभी हम सिस्टम में पॉजिटिव प्रेशर डाल रहे हैं ताकि हमने लीकेज वगैरह चेक कर, और फैन मोटर भी ऑलरेडी हमने लगा दी हुई है. तो अभी आउटडोर हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो अभी सिस्टम को हम रन करेंगे. तो क्योंकि लीकेज वगैरह हमारी फाइनल हो चुकी है, अभी हमने सिस्टम को रन कर दिया. इसके जो हम पेयर्स हैं वो 13.4 है और जो सक्शन प्रेशर अभी आप देख रहे होंगे वो इसलिए क्योंकि अभी हमने लिक्विड डाल रहे थे ताकि हमारी मशीन LP ना हो सके. तो अभी जो हमारा सेक्शन प्रेशर वो 50 है. अभी सिस्टम को और गैस चाहिए, तो अभी हम सिस्टम में और गैस डालेंगे क्योंकि इसका जो सेक्शन प्रेशर वो 65 से 70 या 60 के करीब होता है. तो अभी हमने गैस और सिस्टम में डाली है, तो अभी हम इसका प्रेशर चेक करेंगे. ये 70 हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम रन हो चुका है. तो रिटर्न लाइन भी तकरीबन चिल्ड है सेक्शन लाइन. तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो. तो आज हमने 6 टन का कंप्रेसर लगाया है ZR72kc. तो होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी. तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.